So, in the last class, we have discussed sequence and series and we basically discussed about AP. In today's class, we are going to discuss about geometric progression. Sir, this chapter important because chapter is important. Hai, and there are lot of derivations which come from APGP. And this will help indirectly logical reasoning mein bhi help karega. ये चैप्टर आपको इनडायरेक्टली लॉजिकल रीजनिंग में भी हेल्प करेगा तो लास्ट क्लास में अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जीपी तो जीपी में पॉइंट नंबर वन आप लोग क्या लिख सकते हैं जीपी का पॉइंट नंबर वन आप लोग क्या लिख सकते हैं कॉमन रेशियो जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से टीएन बाई टी एन माइनस वन इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म एंड सो ऑन And so on. Any term divided by its preceding term, any term divided by its preceding term. For example, फाइव फिफ्टीन फोर्टी फाइव वन थर्टी फाइव सो ऑन तो यहाँ पर कॉमन रेशियो हो जाएगा फिफ्टीन बाई फाइव थ्री चेक कर लीजिए फोर्टी फाइव बाई फिफ्टीन होने से भी थ्री रहा है फोर्टी फाइव बाई फिफ्टीन होने से भी थ्री रहा है जैसे कि मैंने लास्ट क्लास आपको समझाया था कि ज्योमेट्रिक सीरीज या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या ऐसा ऐसा होगा वेन आर इज ग्रेटर दैन वन ये वेन आर इज बिटवीन जीरो एंड वन एंड दिस इज वैन आर इज जीरो दिस इज वैन आर इज जीरो एक तीन नौ सताईस यहाँ पर आर थ्री का है सत्ताईस नौ तीन एक यहाँ पे आर वन बाई थ्री है एक माइनस थ्री नाइन माइनस सत्ताईस यहाँ पे आर इज माइनस थ्री तो मैंने आपको यहाँ पर थ्री सीरीज दिखाया है जो जीपी में पॉसिबल है मैंने आपको यहां पर तीन सीरीज दिखाया है जो जीपी में पॉसिबल है मैंने आपको तीन सीरीज दिखाया है जो जीपी में पॉसिबल है नेक्स्ट

Where A stands for first term, where A stands for first term, R stands for common ratio, R stands for common ratio. तो मेरे को एक सीरीज दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड सिक्सटींथ टर्म तो मेरे को टी सिक्सटीन निकालना है एज टू एज टू आर इज ऑल्सो टू एन माइनस वन तो टू इन Two to the power fifteen. Two into two to the power fifteen. Two into two to the power fifteen. Two into two to the power fifteen. नेक्स्ट टू सिक्स एटीन दिया हुआ है पाइंड बोल रहा है टर्म तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वन में क्या निकालेंगे आर निकालेंगे जो कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होगा लेकिन हम लोग चेक करेंगे थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करके सिर्फ एक करने से नहीं होगा एक बार आपको चेक भी करना पड़ेगा कि कॉमन रेशियो आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टेप टू में जनरल टर्म का फॉर्मूला पुट कर देंगे स्टेप टू में जो भी जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा उसको पुट कर देंगे स्टेप टू में जो भी जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा उसको पुट कर देंगे ये हम लोग को इतना इजी क्यों लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने एपी में टाइम इन्वेस्ट किया है इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज टीएन व्हाट इज ए तो यहां पर खाली फॉर्मूलाज डिफरेंट है और डी की जगह आर है यहां खाली फॉर्मूलाज डिफरेंट है और डी की जगह आर है नेक्स्ट सम ऑफ द जीपी सीरीज इसमें तीन फॉर्मूला है सम ऑफ द जीपी सीरीज में तीन फॉर्मूला है एक जब मॉड आर इज ग्रेटर देन वन दूसरा जब मॉड आर इज लेस देन वन और तीसरा इंफेनाइट जीपी के केस में देर आर थ्री फॉर्मूलाज ऑफ समेशन वन इज वेन आर इज ग्रेटर देन वन अनदर इज वेन आर इज लेस देन वन एन इन्फिनेट जीपे में भी कंडीशन है मोडार शुड बी लेस देन वन मोडार शुड बी लेस देन वन फॉर्मूला इज ए आर टू द पावर एन माइनस वन ए वन माइनस आर टू द पावर एन and a by 1 minus r. Sum up to n terms. If mod r is greater than 1, then it is r to the power n minus 1 by r minus 1. If mod r is less than 1, it is 1 minus r to the power n by 1 minus r. And h to the power infinity is a by 1 minus r. And S to the power infinity is A by one minus R. A by one minus R. बोलिए फॉर्मूलास क्लियर है कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी अगर किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं नाउ एपी में जब एजम्पन हो रहा था तब ए माइनस डी ए ए प्लस डी हो रहा था एपी में क्या हो रहा था सिंगल टर्म ए जीपी में भी सिंगल टर्म ए एपी में क्या था ए माइनस डी ए ए प्लस डी यहां पर ए बाईआर ए ए आर यहां क्या था ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी ए बाई आर क्यूब ए बाई आर ए आर ए आर क्यूब ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी यहां पर है ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए ए आर ए आर स्क्वायर तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर जब odd टर्म्स हो रहा था वी वी टेकिंग कॉमन डिफ्रेंस डी और इवेंट टर्म्स में हम लोग टू डी ले रहे थे यहां पर जब और टर्म्स होगा हम लोग का कॉमन रेशियो आर होगा और इवेंट टर्म्स के केस में वी आर टेकिंग आर स्क्वायर और इवेंट टर्म्स के केस में वी आर टेकिंग आर स्क्वायर दिस इज ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज जी पी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन एक एपी है दूसरा जीपी है बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है यस yes, नो no, नहीं ठीक है अब हम लोग विल टॉक अबाउट प्यू प्रॉपर्टीज विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज किसका प्रॉपर्टीज का बात करेंगे जीपी का विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी सबसे पहला प्रॉपर्टी कि अगर हम लोग जीपी के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी से तो जो रिजल्टेंट सीरीज होगा वो जीपी में ही आएगा मतलब एपी में क्या था प्लस माइनस के था तो मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझाता हूं टेन ट्वेंटी फोर्टी एटी ये मेरा ओरिजिनल सीरीज है ये मेरा ओरिजिनल है अब मेरा रिवाइज वन रिवाइज टू रिवाइज वन में क्या हो रहा है इनटू फाइव हो रहा है और रिवाइज टू में क्या हो रहा है डिवाइडेड बाई फाइव हो रहा है तो हम लोग को चेक करना है इन टू फाइव होने से क्या वो जीपी में है पचास सौ दो सौ चार सौ डिवाइड फाइव करो दो चार आठ सोलह सो वॉट वी कैन ऑब्जर्व That if each term of a GP is multiplied or divided by a constant. Quantity, then the resulting series will be in GP. Then the resulting series will be in GP. Then the resulting series will be in GP. अगर हम लोग जीपी के हर टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी देन द रिजल्टिंग सीरीज विल बी इन जी पी दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जी पी दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जी पी तो बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी का मान लो सीरीज वन है फिफ्टी हंड्रेड टू हंड्रेड फोर हंड्रेड और सीरीज टू है टू फोर एट सिक्सटीन अब मेरे को क्या करना है सीरीज वन इंटू सीरीज टू करना है और सीरीज वन डिवाइडेड बाय सीरीज टू करना है तो सीरीज वन इंटू सीरीज टू करो हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी फोर हंड्रेड विच इज इन जीपी डिवाइड करो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव भी जीपी में है लेकिन इसको नाम आ जाएगा कांस्टेंट सीरीज इसका कॉमन रेशियो वन है इसका कॉमन रेशियो वन है तो बोलने का मतलब क्या था If corresponding terms, if corresponding terms of GP series are multiplied or divided, then the Resultant series will be in GP. Then the resultant series will be in GP. Then the resultant series will be in GP. कॉरेस्पोंडिंग टर्म्स मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से सेकेंड को सेकेंड से थर्ड को थर्ड से फोर्थ को फोर्थ से देन द रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन जीपी ये कोइंसिडेंस था जहां पर आपका वो जीपी में मतलब कांस्टेंट सीरीज आ गया बोली यहां तक कोई दिक्कत ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी विल ऑल्सो बी इन जीपी रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जी पी विल ऑल्सो बी इन जी पी तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं थ्री सिक्स टूवेल्व डॉट डोट डॉट यहाँ पर रेशियो टू का है तो वन बाई थ्री वन बाई सिक्स वन बाई टमा डॉट डोट डॉट वन बाई सिक्स बाई वन बाई थ्री करेंगे तो मेरा आ जाएगा हाफ और वन बाई ट्वेल्व बाई वन बाई सिक्स करेंगे तो मेरा हाफ आ जाएगा तो ये भी जीपी में है जीपी के रेसिप्रोकल टर्म्स जीपी के रेसिप्रोकल टर्म्स का जो सीरीज बनता है जीपी के रेसिप्रोकल टर्म्स जीपी के रेसिप्रोकल टर्म्स का जो सीरीज बनता है वो भी जीपी में ही होता है नेक्स्ट इफ ए बी सी आर इन जी पी देन अज्यूम ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू टू पी इक्वल्स टू फोर इनकेस दे आस्क फाइंड द वैल्यू अगर फाइंड द वैल्यू का क्वेश्चन आ जाएगा और बोलेगा ए बी सी आर इन जी पी और बोलेगा एबीसीआर इन जी पी तो वी विल अज्यूम ए एस वन बी एस टू एंड सी एस फोर हम लोग और कोई वैल्यू अज्यूम नहीं करेंगे हम लोग क्या अजय करेंगे ए एज वन बी एज टू एंड सी एज फोर वंस अगेन इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी देन बी बाई एक्वल्स टू सी बाई बी लिख सकता हूं मैं ये वॉट इज बी बाई ए कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म वॉट इज सी बाई बी थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ रहा है और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी और बी इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी दिस बी इज नोन एज जोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी दिस बी इज नोन एज Geometric mean between A and C between A and C B is known as. Geometric mean between A and C. B is known as geometric mean between A and C. Now you can insert n number of arithmetic mean. बिटवीन ए एंड बी ए एंड सी जरूरी नहीं है एक ही होगा ठीक है लेट अस चेक विथ सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड जोमेट्रिक मीन ऑफ थ्री एंड ट्वेंटी सेवन पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड फाइंड जोमेट्रिक मीन ऑफ थ्री एंड ट्वेंटी सेवन तो सीधा हमको पता है जोमेट्रिक मीन को हम लोग क्या बोलते हैं बी और यहाँ पर थ्री ए हो गया ट्वेंटी सेवन सी हो गया तो बी का फॉर्मूला क्या है रूट ओवर ए सी तो रूट ओवर थ्री इन टू ट्वेंटी सेवन रूट ओवर एटी वन ना यू हैव टू राइट प्लस माइनस नाइन सर प्लस माइनस नाइन क्यों लिखेंगे क्योंकि आर कैन बी प्लस थ्री और आर कैन बी माइनस थ्री अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है तो आर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं रहता है तो आर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन फोर एंड नाइन सेवेंटी टू इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन फोर एंड 972. सेवेंटी टू तो हम लोग क्या लिखेंगे पहला टर्म को फोर मान लेंगे जी वन जी टू जी थ्री जी फोर एंड नाइन सेवेंटी टू तो अब क्या हो रहा है मेरा जो फर्स्ट टर्म हो गया वो हो गया फोर और मेरा एन टर्म हो गया नाइन सेवनटी टू विच इज सिक्स टर्म ओवर हेयर लास्ट टर्म ही तो एन एक् टर्म ना तो टी सिक्स का वैल्यू पता है एंड बाय द प्रॉब्लम ए इंटू आर टू द पावर सिक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू नाइन सेवेंटी टू और आर टू द पावर फाइव इक्वल्स टू डिवाइड बाय फोर करो टू फोर टू नाइन वन सेवनटीन सिक्सटीन टू फोर्टी थ्री आ रहा है दैट इज नथिंग बट थ्री थ्री टू द पावर फाइव करो थ्री टू द पावर फाइव करो टू फोर्टी थ्री आएगा अब एक चीज नोट कर लो एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग एनी टर्म किसी भी टर्म को जब आप आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को नेक्स्ट टर्म मिलता है और एनी टर्म डिवाइडेड बाय आर करते हैं तो मेरे को प्रीवियस टर्म मिलता है तो अगर मेरे को आगे की तरफ जाना है तो मेरे को इनटू थ्री करना पड़ेगा जो कि आया है ट्वेल्व फिर इनटू थ्री करो थर्टी सिक्स फिर इनटू थ्री करो हंड्रेड एंड एट फिर इनटू थ्री करो थ्री ट्वेंटी फोर तो मेरा चार जो मीन आ गया आर निकलते ही खेला खत्म If you are able to calculate R then the game is over if you can calculate R then the game is over Aram said timely j. और टाइम लेकर के इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करिए टेक योर ओन टाइम एंड सॉल्व These two questions. आगे बढ़े यस प्लीज रिप्लाई वेदर वी कैन मूव अहेड और नॉट चलिए फटाफट रिप्लाई करिए नेक्स्ट लिखिए प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालने बोलेगा आप लोग को तो प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू मतलब जीवन से लेकर के जितना भी ज्योमेट्रिक मीन है उसका प्रोडक्ट इज रूट ओवर ए बी होल्ड टू द पावर एन बाई टू रूट ओवर ए बी सॉरी एबी टू द पावर एन बाई टू होगा ये रूट गलती से लिखा गया है ए बी टू द पावर एन बाई टू वेयर ए इज द फर्स्ट एंड बी इज द लास्ट टर्म ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीएम के लिए ये फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी प्रोडक्ट ऑफ एन जोमेट्रिक मीन्स बिट्वीन ए एंड बी अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं अगर वन प्लस वन प्लस वन अप टू एन टाइम्स है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वन इंटू एन एन मल्टीप्लीकेशन इज सक्सेसिव एडिशन फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ टू प्लस टू प्लस टू अप टू टेन टाइम्स तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे टू इंटू टेन मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है सक्सेसिव एडिशन मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है सक्सेसिव एडिशन सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट एन इन टू एन प्लस वन बाई टू फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इसको समेशन एन भी बोला जाता है इसको समेशन एन भी बोला जाता है सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन इन टू एन प्लस वन बाई टू यही अगर क्यूब पूछा जाएगा तो वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब इसी फॉर्मूला का स्क्वायर हो जाएगा इसी फॉर्मूला का स्क्वायर हो जाएगा इसी फॉर्मूला का स्क्वायर हो जाएगा ये अगर मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर तब आएगा आपका एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ा अलग है इसलिए मैंने बाद में लिखा है स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ा अलग है इसलिए मैंने बाद में लिखा है एन इन एन प्लस वन इन टू एन प्लस वन ठीक है अब इसको क्या बोलेंगे वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस डॉट 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 प्लस टूए माइनस वन वॉट डू यू मीन बाई टूएन एंड वॉट डू मीन बाई टूएन माइनस वन सर टूएन का मतलब होता है इवेंट नंबर एन एच इवेंट नंबर और इसका मतलब होता है ऑड तो वी आर बेसिकली वांटिंग टू नो समेशन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स समेशन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर एंड समेशन ऑफ़ फर्स्ट एन इवन नंबर्स इज एन स्क्वायर प्लस एन rather you can say n into n plus 1 summation of first n odd numbers is n square and summation of फर्स्ट एन इवेंट नंबर्स इज एन स्क्वायर प्लस एन ठीक है तो ये सारे बेसिक समेशन नोटेशन है जो आपको फॉर्मूलाज में काम आएंगे जो आपको फॉर्मूलाज में काम आएंगे अगर मैं टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस डॉट 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 प्लस टूए में से टू कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा One plus two plus three plus four plus n. So we can say it is two into summation of n. Two into एन इंटू एन प्लस वन बाई टू 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 कैंसिल हुआ क्या बचा एन इंटू एन प्लस वन यही तो बचा एन इंटू एन प्लस वन तो जब बीच में प्लस होता है ना एक बार ही कॉमन लेने से हो जाता है लेकिन यही मतलब मान लो टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट इंटू डॉट 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 टू एन होता है तब आपको हर स्टेप से टू कॉमन लेना पड़ता है तो बेसिकली टू इंटू टू इंटू टू अप टू एन टाइम्स और यहां बचेगा वन इंटू टू इंटू थ्री एन टाइम्स सॉरी वन इंटू टू इंटू थ्री इन टू एन टाइम तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा टू टू दावर एन एंड दैट इज एन फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल प्रोडक्ट Of first n integers, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स तो मेरा आपको समझाने का मतलब क्या था पर्पस क्या था पर्पस ये था कि अगर टू प्लस टू प्लस डॉट 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 एन टाइम्स हो रहा है तो वो टू एन होगा और अगर टू इंटू टू इंटू डॉट 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 एन टाइम्स हो रहा है तो वो टू टू पावर एन होगा ये दोनों में डिफरेंस समझिए वन इज मल्टीप्लीकेशन एक में मल्टीप्लीकेशन आ रहा है जिसका मतलब होता है सक्सेसिव एडिशन Multiplication stands for successive addition. Multiplication stands for successive addition. And this is the laws of indices a number multiplied by itself n times. Laws of indices a number multiplied by itself n times. ठीक है चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे T2 दिया हुआ है 24 T5 दिया हुआ है 81. वन फाइंड आर टी का मतलब है सेकेंड टर्म ऑफर जीपी सीरीज और टी फाइव हो गया फिफ्थ टर्म तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहां पर डिवाइड करेंगे तो बाई द प्रॉब्लम टी फाइव बाई टी टू इज एटी वन बाई ट्वेंटी फोर हाँ या ना बोलिए तो T5 फाइव इज ए इंटू आर टू तो द पावर फोर और ये इंटू आर हो जाएगा क्योंकि टी एन क्या है पावर मैन माइनस वन क्योंकि Tn क्या है पावर मैन माइनस वन एटी वन बाई ट्वेंटी फोर को काटा -पिटी करके क्या आ रहा है ट्वेंटी सेवन बाई एट ए एल गेट कैंसल्ड आर क्यूब इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन बाई एट और आर इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन बाई एट विच इज थ्री बाई टू विच इज थ्री बाई टू न पॉइंट फाइव अब अगर मेरे को यहां पर यह भी बोल देता फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म्स यहां पर मेरे को यह भी बोल देता फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म्स मैं क्या करता मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क कॉमा ट्वेंटी फोर लिखता कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा एटी वन लिख देता अब मैंने आपको सिखाया है अगर आगे जाना है तो मल्टीप्लाई करो आर से अगर आगे जाना है तो आर से मल्टीप्लाई करो और अगर पीछे जाना है तो R से डिवाइड करो तो मेरे को आगे जाना है तो 24 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाई टू से तो मेरा 36 आएगा 36 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाई टू से तो मेरा 54 फोर आएगा अब बैक जाने के लिए डिवाइड करना होगा थ्री बाई टू से तो मेरा सिक्सटीन आएगा अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है और अगर आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है और अगर आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है ठीक है वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक है अब लोग तो यही सोचते रह जाएंगे कि भैया इसका आंसर तो क्या है पहला बात तो जबी भी माइनस प्लस आएगा वो एपी तो हो ही नहीं सकता अगर माइनस प्लस है सीरीज में तो वो एपी तो हो ही नहीं सकता अब जीपी के लिए क्या है चेक करो सेकेंड बाय फर्स्ट इज माइनस वन एंड थर्ड बाय सेकेंड इज आल्सो माइनस वन समाइट जीपी इज ए बाय वन माइनस आर A is 1, R is minus 1. 1 by 1 plus 1. Half. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी वेयर सेकेंड टर्म इज टू एंड सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म इज एट हम लोग को यहां पर निकालना है ए जहां पर हम लोग को ए आर पता है टू एंड इन्फिनिटी तक पता है एट क्वेश्चन में यही बोला है यू नो ए आर इज टू सम अप टू इंफिनाइट टर्म्स इज एट वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट टर्म तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज टू बाई आर एंड बाई द प्रॉब्लम A by one minus R is eight. Now substituting two by R by one minus R equals to eight or two by R into one minus R equals to eight. Two by आर इंटू वन माइनस आर इक्वल्स टू एट अब ये कैंसल होगा फोर तो मेरा क्या आ रहा है वन बाई आर माइनस आर स्क्वाक्वल्स टू फोर और वन इक्वल्स टू फोर आर माइनस फोर आर स्क्वायर और फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो तो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा टू आर का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू टू आर इंटू वन प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये हो जा रहा है टू आर माइनस वन का होल स्क्वायर ये हो जा रहा है टू आर माइनस वन का होल स्क्वायर तो मेरा आर का वैल्यू आ जाएगा टू आर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल्स टू हाफ यहां पर जब मैं हाफ पुट करूंगा तो मेरा फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया तो मेरा फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया तो मेरा फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया बोलिए यहां तक क्लियर है तो दिस वाज अवर सेकंड पार्ट इसको और एक पार्ट आएगा जहां पर हम लोग इसके एडवांस प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तो ये वाला पोशन हम लोग का मोटा मोटी ओवर हो जाएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच